स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्लास सेवन का लेसन टू का लास्ट टॉपिक अमीबा में संग्रहण एवं पाचन। बच्चों, अमीबा क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। ये एक ही कोशिका जीवन के सभी कार्य करती है, तो ये एक ही कोशिका भोजन का पाचन का कार्य भी करती है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अमीबा दिखता कैसा है, उसका शरीर कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर उसके अंदर कैसे कैसे अंग होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अमीबा जो होता है उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, वो कि पानी के थैले की तरह होता है, कोई उसकी निश्चित आकृति नहीं होती है, पल पल उसकी आकृति बदलती रहती है। और अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, छोटी छोटी कई धानिया अमीबा के अंदर पड़ी रहती हैं। अमीबा के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, आप ये समझिए एक छोटा सा गुब्बारा है, उसमें पानी भरा हुआ है और जो गुब्बारे की परत है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर ये धानी केंद्रक और एक गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि ऐसा द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। तो आप देख सकते हैं ये एक कोशिका है और अमीबा एक कोशिक जीव है। अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली से लगातार उंगलियों जैसी संरचनाएं बनाता है जिनको हम बोलते हैं पादाब। जैसे ये आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? पादाब। पादाब जो होते हैं वो पैरों जैसी संरचना अमीबा बनाता है, जैसे हम अपने पैरों से चलने का काम करते हैं वैसे ही ये पादाब से अपने लगातार जो है पादाब से अपने शरीर में गति उत्पन्न करता है और चलता है। अब साथ में आपको ये भी बता दूं कि अमीबा जो है वो पानी के अंदर पाया जाता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? देखिए, जब भी अमीबा को पानी में, पहली बात तो अमीबा बहुत छोटे छोटे जो अन्य जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको खाता है। तो जब भी अमीबा को ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि उसके आसपास कहीं भोजन है, तो वह क्या करता है कि अपनी जो कोशिका झिल्ली है उससे, मान लीजिए कि यहाँ भोजन है, तो अपनी कोशिका झिल्ली से यह उस भोजन के चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। धीरे धीरे इस आवरण को बढ़ाता जाता है इस तरह से। देखिए, अब लगभग भोजन जो है उसके अंदर आ गया है। फिर क्या करता है, जहां से उसकी कोशिका झिल्ली आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ रही है वहां से अपनी कोशिका झिल्ली को तोड़ लेता है। तो इस प्रकार जो भोजन है वो भोजन की जो धानी है उसके अंदर आ जाता है और ये भोजन दानी जो अमीबा है उसके अंदर आ जाती है। अब यहां से क्या करता है कि अपनी जो कोशिका है उससे पाचक रस, ऐसे रस जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, उन पाचक रसों को इस खाद्य धानी के अंदर छोड़ता है। धीरे धीरे ये जो भोजन है इसको बिल्कुल सरल भागों में तोड़ लेता है, यानी कि अब भोजन जो है वो सरल भाग में टूट चुका है, पाचन हो चुका है, और फिर इस भोजन को यहीं से खाद्य धानी से अवशोषित कर लेता है। और जो भी खाद्य धानी के अंदर अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको फिर क्या करता है कि धीरे धीरे अपनी जो कोशिका झिल्ली है उसको दोबारा से खाद्य धानी के संपर्क में लेके आता है और फिर दोबारा से तोड़ देता है। तो इस प्रकार से जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले अमीबा जो है उसको जब भोजन का आभास होता है तो अपनी उंगलियों से अपने जो कोशिका झिल्ली है उससे उसके चारों तरफ जो है वो एक घेरा बना लेता है
और फिर उसको अपने शरीर के अंदर लाकर उसका पाचन करके और अवशिष्ट पदार्थों को वापस बाहर छोड़ देता है। इस प्रकार से अमीबा में समरण और पाचन होता है। थैंक यू।